पहुंच गए हैं बलराम मुल्लिक। तो ये दुकान 1885 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे ब्रांचेस हैं उनके, लेकिन इनके कुछ बहुत फेमस मिष्टी है जैसे बेक रसोगोल्ला और बेक्ड मिहिदाना। तो चले मैं गौतम मल्लिक, मेरा दादाजी गणेश चंद्र मल्लिक ने ये दुकान स्टार्ट किया था 1885 में, 134 ईयर्स का पुराना दुकान है। पहले खाली संदेशी बांधता था छीने का, तो उसके जितने जाते जाते अभी रसगुल्ला दूसरा वैरायटी भी बहुत कुछ बनाते हैं। तो पहले जो दुकान था जोगू बाजार में था, एक ही दुकान था। अभी हम लोग का 12 शॉप है, 12 शॉप इन सिटी कोलकाता, और बाहर में हमको स्टॉल लगता है दुबई में, यूएसए में, बाहर भी हम लोग स्टॉल करते हैं। तो शुरुआत से संदेश हुई थी, बाद में धीरे धीरे और एडिशन करते चले। तो এখানে কি ট্রাই করে দেখো? সব রকম মিষ্টি ট্রাই করতে পারো। গুড় মিষ্টি এখন তো বেশি চলে, গুড় মিষ্টি। না আপ এখন তো ভালো। আপনার ও মেকো याद है अभी भी स्वाद बेक्ड रसगुल्ला। हां बेक्ड रसगुल्ला। मैं स्पेशली इसलिए आया हूं आपके यहां। गुड़ मिष्टी संदेश खावा, गुड़ सब रकम मिष्टी दे। नहीं इंट्रोड्यूस आप लोग नहीं किया था फर्स्ट टाइम बेक रसगुल्ला, तो कैसे करते हैं रसगुल्ला को ऊपर में? रसगुल्ला को ऊपर में जो दूध का मलाई देके उसमें बेक मशीन में बेक करते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो प्रॉपर टेक्सचर लग रहा है, मिल्क मेड टाइप। थिकनेस वो थोड़ी सी मिठास है और थोड़ी क्रंचीनेस भी है, और साथ में हल्का बर्न फ्लेवर जो होता है वो भी है। साथ का गुड, बहुत बेक मिहिदाना। मतलब कोलकाता में इतनी वैरायटीज है, सिर्फ एक शॉप पे 200 तरह की मिठाइयाँ। मिहिदाना डाल के उसके बाद फिर मलाई डाल के फिर बेक कर देते हैं। गुलाब जामुन है, चना वाला और बहुत चीज है, बादाम है, आलमंड है। क्या क्या वैरायटी है आपके पास? काचा को लिखा, काचा को लिखा। ये भी टिपिकल बंगाली मिठाई है, पातिशाप्ता। इसके अंदर स्टफिंग नारियल की होती है। यू कैन टेस्ट द कोकोनट, हैव यू टेस्टेड? यस। ऐसे पिट्ठा बनाते हैं हम लोग, उस टाइप का ही है। वाह भाई, पार्टी सब का पहले चलता था, कोई संक्रांति जो होता है ना, संक्रांति उसमें ज़्यादा चलता था। अभी तो सारा होल ईयर मिलता है, ये उस टाइम का 3-4 दिन के लिए मिलता था। मज़ा आ गया सर। ये क्या है? ये कंचगुल्ला है, ये सब वाला संदेश है। ये सिर्फ छेना है, प्योर छेना। बट फ्लेवर फिर भी बहुत सटल है। प्योर छेना। किया जा रहा था बिग स्वीट बॉक्स पूरी का, बेक रसगुल्ला 60 और दोनों स्वीट। भाई साहब इतना मीठा। दिस इज झोलागु, झोलागु बहुत मस्त है। वेरी टेस्टी ना? हां। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके सारी मिठाई ट्राई करके। बिल्कुल, थैंक यू। टोटल 3600 का। तो यहाँ क्या ट्राई करने वाले हैं? तो यहाँ का स्पेशलिटी है हिंग कचौरी और सब्जी। सब्जी की तरकारी? आप तो बंगाली मेरे से भी अच्छा बोलते हैं अभी। हाँ, तरकारी। तरकारी, आलू तरकारी। आलू तरकारी। पूड़ी है, इसको कचौड़ी बोलते हैं। यहाँ
पे इसको कचौरी बोलता है तो इसमें कोई फिलिंग या कुछ नहीं होता, लेकिन हिंग का जो फ्लेवर होता है ना वो होता है क्योंकि वो उसमें मिक्स कर देते हैं दो में। Exactly. तो मैदे में मिक्स करके उसके बाद ये काला जीरा है, काला जीरा देते हैं। सो ये सब मैदे में मिक्स किया हुआ रहता है, तो इसमें और कोई एक्स्ट्रा स्टफिंग नहीं दिया जाता, इसलिए इसको आलू के साथ खाते हैं ताकि थोड़ा सा वो टेस्ट आए, हिंग की खुशबू है। और वो लोग चटनी के तौर पे थोड़ा सा ये मिर्च का अचार देते हैं। ये आलू की सब्जी इसको छिलके के साथ बनाया गया है, साथ में चने हैं। बाबा स्पाइसी और तरकारी भी बिल्कुल रनी है, मतलब ग्रेवी बिल्कुल इसकी पतली सी है, बहुत ही बढ़िया। मैंने एक चीज़ देखा है यहाँ पे, और दो चीज़ें ये जो फ्राई करते हैं ये डीप फ्राई किया लेकिन बिल्कुल लाइट है। चाहे हमने राधा बल्ले भी ट्राई किया वो भी काफ़ी लाइट था, ये भी काफ़ी लाइट है। इतना लाइट है तो आप आराम से 3-4-5 खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये भी जो आलू को छिलके के साथ पकाया जाता है उसका अलग स्वाद आता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कभी कभी जो मेन आलू का फ्लेवर्स है वो छिलके में ही है। आप सीधे आलू पकाएं और छिलके के साथ साथ पकाएं, बहुत फ़र्क पड़ता है। शॉप के बारे बताएं महाराज। तो यहाँ पे एक शॉप देख रहे हैं ना महाराज, थोड़ी देर बाद हम लोग दूसरी शॉप में भी जाएंगे महारानी, तो दोनों एक ही पास है, तो वो एक समय में एक शॉप हुआ करते थे। लेकिन कहानी ये है कि अब कुछ प्रॉब्लम आ गई फैमिली में, रिश्तेदारों में, फिर वो लोग सेपरेट होके दो अलग अलग दुकान बन गए। तो दोनों एक ही चीज़ सेल करते हैं, तो होना चाहिए कि कॉम्पिटिशन में किसी का नुकसान होता है, लेकिन दोनों इतने पॉपुलर है कि दोनों ही चलते हैं। ऐसा अगर लोग ब्रेकफास्ट यहाँ करेंगे महाराज में, इवनिंग स्नैक्स के लिए मरानी में जाएंगे, ये भी है। और लेकिन मेन्यू सेम है दोनों का, मोर और लेस सेम है। और टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि पर्सनली मैं तो जैसे छोटी हूँ, खूब जाल अभी हो गया हिंग कचौरी, अभी जाएंगे हम लोग महारानी की तरफ और खाएंगे थोड़ा सा सिंगाड़ा, थोड़ा सा चल। काफ़ी पॉपुलर इवनिंग डिश है हिंग कचौरी, आप देख ही सकते इतने लोग हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंगाड़ा खाएंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम जाना सिंघारा के बारे में इलाहाबाद में जाके, अच्छा। तो वहाँ पे मैं देखा बनते हुए, मैंने पूछा मैंने क्या फर्क है, उसने पूरा प्रोसेस दिखाया। हाँ। सिंघारा समोसे से अलग होता है, शेप सेम होता है, बस बनाने का तरीका मसाले का वो अलग होता है। लाइक हॉट प्रोसेस चलता रहता है, देखते अच्छा ये जलेबी का शेप ऐसा क्यों, ये ज़्यादा डार्क क्यों लग रही है, हल्की क्यों है, ये क्रिस्प क्यों है, ये सॉगी क्यों है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, जो लोग खाना पका रहे हैं या तो वो यूपी से हैं या बिहार से हैं उड़ीसा से हैं, मतलब तो ये शॉप भी जो ओनर हैं वो बनारस से हैं, जो वर्कर्स हैं वो बिहार से हैं। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोग मानते हैं कि जो लोग उड़ीसा और बिहार से आते हैं वो लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो हम लोग जब पहले वहाँ पे शुरू किए थे उड़ीपी में, वहाँ पे भी मैंने जब ओनर से पूछा कि आपके कुक्स प्राइमरीली कहाँ से हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग ओडिया कुक्स ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उन लोग बहुत जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। तो वो प्रेफरेंस है कलकत्ता में। 2 सेकेंड नहीं वही देंगे। बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म सिंघारा, साथ में एक के रनी चटनी इमली की,
क्या बात है, देखिए इसमें ये मूंगफली का दाना। तो बात करें अगर सिंघारे की, तो सिंघारा सिंघारा होता है, समोसा नहीं होता। क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस इसके मसाले का है। जो मसाला सिंघारे का बनाया जाता है उसमें पंचफोरन का तड़का लगाया जाता है। तो इस जो पंचफोरन खाते हैं जो बंगालीज में ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी यूज़ होता है वो लगाया जाता है, और साथ में आपको सिंघारा में मूँगफली ज़रूर मिलेगी। ये डिफरेंस है। और साथ में ये चटनी है इमली वाली, काफ़ी पॉपुलर इवनिंग स्नैक है, इवनिंग में लोग खाते हैं, काफ़ी जगहों पर नाश्ते में भी सुबह खाते हैं लोग। खासकर ईस्टर्न इंडिया साइड में इसको सिंघारा बोला जाता है, बिहार साइड में वहाँ भी सिंघारा बोलते हैं। मैं देखा है उड़ीसा में भी काफ़ी ज़्यादा सिंघारा बोला जाता है, और बंगाल में भी सिंघारा बोलते हैं इसको। आइए जायका लिया जाए। बहुत ही उम्दा, मुझे पर्सनली समोसा से अच्छा सिंघारा लगता है। हालांकि समोसे में काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं, आलू का मेन टेस्ट नहीं आता। सिंघारे में प्रॉपर आपको आलू का स्वाद आएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोग अभी जब सिंघारा या समोसा के बारे में सोचते हैं, हम लोग यूजुअली वेजिटेरियन सोचते हैं राइट, क्योंकि स्टफिंग आलू का रहता है। लेकिन पहले जब हुआ करता था पुराने समय में, तब यूजुअली इसमें नॉन वेज फिलिंग होता था। बेसिकली ये जब आया इंडिया में तो इसको समोसा बोलते थे, ये मीट स्टफ था। इंडिया में काफ़ी लोग शाकाहारी थे, उन्होंने अपना एक वर्जन बना दिया, और कहीं पे आपको आलू स्टफ मिलेगा, कहीं पे दाल होगा, कहीं पे फूल गोभी, वो भी काफ़ी विंटर की डिश है यहाँ पे कोलकाता में आई थिंक लोग खाते हैं। यहाँ तो मेरे को याद नहीं दिन में कितनी चाय पी चुका हूँ मैं, नॉन स्टॉप चाय चल रही है, नॉन स्टॉप। हर जगह का शॉप का चाय का फ्लेवर भी अलग है, कहीं पे अदरक है, कहीं पे इलायची है, कहीं चाय मसाला है, कहीं सिर्फ चाय पत्ती है, कहीं पे स्टीम चाय है, तो कहीं पे बनाने का तरीका अलग है। ऐसा लग रहा है फिश की खुशबू आ रही है। हाँ आप एकदम करेक्ट है। तो अभी हम लोग फिश फ्राई खाएंगे और फिश फिंगर्स भी खाएंगे शंकर दा की दुकान पे। चलिए, आई वुड रेकमेंड द फिश फिंगर और या फिश फ्राई, कोई फिश फिंगर ट्राई करते हैं। फिश फिंगर ठीक है। तो फिश फ्राई वही फिश के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के फिर फ्राई कर देते हैं, सेम कटलेट टाइप ही हुआ। कटलेट टाइप ही हुआ हाँ। एक प्लेट फिश फिंगर, बहुत लंबी लाइन हो गई पीछे। कितना? 40 40 टका 40 टका दोनों बार। ये टिपिकल यहाँ का स्ट्रीट फूड है, यहाँ का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड्स में से एक है, क्योंकि हम लोग बंगाली है तो मछली तो पसंद ही है, मच्छ। और ये फिश फिंगर है जो कि भेट की फिश है। ये भेट की तो दूसरे जगह पे डिफरेंट फिशेस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भेट। कासुंदी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कड़क है, मतलब इसका जो पंजेंट फ्लेवर है बिल्कुल हिट करता है। वो झाल ना? झाल बट खूब भालो, खूब भालो, खूब भालो। और इस साइज देखिए शॉप का, बिल्कुल कॉर्नर पे छोटी सी दुकान, इसमें चार लोग काम कर रहे हैं। एक जगह पे वो मछली के ऊपर क्रम्स लगा रहे हैं, दूसरा बंदा फ्राई कर रहा है, तीसरा बंदा सर्व कर रहा है, चौथा बंदा पैसे ले रहा है, और इतनी छोटी सी दुकान के अंदर में ही।
আপনার নামটা? আমার নাম দেবব্রত কর। এই শপ কিনকে নাম পে? এটা আমার বাবা মেরা পিতাজি কা নাম পে। আচ্ছা, উনি শুরু কেতা কোন কত সাল পেলে? ও শুরু কিয়া থা 1998 সে, তো তকরিবন 23 ইয়ার রানিং এসেই হোগা, তো তব সে চল রহা হ্যায়। আর মে দেখা ওয়া লিখা হুয়া হ্যায় কিং অফ ফিশ ফ্রাই। হ্যাঁ, কিং অফ ফিশ ফ্রাই তো হ্যায়, ও পাবলিক পাবলিক নে বোলা, হামারা কাস্টমার নে বোলা, হামনে নেই বোলা। তো হামে ট্রাই কিয়া, কাফি উমদা ফিশ থি আপকি। তো কি ফিশ কো পহলে ম্যারিনেশন করতে হ্যায় কিস চিজ মে, উসকে বাদ ফ্রাই কিয়া জাতা হ্যায়? হ্যাঁ, ম্যারিনেশন তো করনা হি পড়েগা। ক্যা 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 চিজ ডালতে হ্যায় ম্যারিনেশন মে? ও তো বহুত কুছ ডালতে হ্যায়, ওনিয়ন, জিঞ্জার, গার্লিক, কোরিয়ান্ডার, সল্ট, उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स से डाल के फ्राई करते हैं। ब्रेड क्रम लगा के फ्राई करते हैं। और कितने तरह कितने आइटम्स हैं आपके पास? 7 आइटम्स, अभी 9 आइटम्स चल रहा है। अच्छा, और फिश सीजनल होता है? नहीं, सीजनल ऑफ सीजनल कुछ नहीं होता है, वो हर साल ही मिलता है, तो दो मंथ फिशिंग बंद रहता है तभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा स्टोर का कोलेस्ट्रोल का फिश दे के चलाना पड़ता है ये। तो सबसे पॉपुलर डिश क्या है आपके? पॉपुलर, सबसे पॉपुलर फिश फ्राई है। फिश फ्राई है। और आपका कितना सेल होता है? 110 पीस फिश फ्राई सेल होता है। फिंगर भी वैसे ही होता है, चिकन ज़्यादा नहीं होता है, चिकन कम ही होता है। यहाँ पे लोग चिकन कम पसंद करते हैं, खाते हैं, हम लोगों का दुकान में चिकन कम ही बिकता है, ये हम लोगों का तकदीर में है। अच्छा, हम लोगों का यह फिश फ्राई बिकता है। तो यहाँ के लोकल लोग पसंद भी फिश ज़्यादा करते हैं? हाँ हाँ, बंगाली लोग तो बंगाली तो माछ खावे ना, माछ खावे ना, पसंदी खावे ना, तो माछ खावे, पसंदी खावे और मिस्टी खावे। थैंक यू दादा, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। फुचका? हाँ, तो कोलकाता का फुचका का स्टाइल तो बहुत अलग है, आपको पता है पानी डिफरेंट है जी, तो सबके अलग अलग फेवरेट्स होते हैं कि कौन सा फुचका सबसे बढ़िया है, लेकिन ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है और अंकल भी मेरे पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि उनसे बातचीत करते करते फुचका खा लो तो पूरा एकदम मज़ा आ जाता है। तो नहीं, तो टेस्ट काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। हाँ। कोई जगह किसी को अच्छी लगती है, कोई जगह किसी को अच्छी लगती है, और सबसे बड़ी बात होती है खिलाने वाला किस भाव से खिला रहा है कि नहीं। नमस्कार, चलिए मुझे खिलाइए। ये जो दोना है इसमें सिर्फ एक पुचका ही आ सकता है। हाँ, है ना? हाँ। इस साइज का बनवाए हैं आप? हाँ, ओरिजिनल बनाया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले। बिहार में कौन जिला? मुजफ्फरपुर है, हमारा जन्म स्थल है। ठीक है, वहाँ बोलता है गुपचुप, देश का भाषा बिहार का गुपचुप है, और दिल्ली का गोलगप्पा, गोलगप्पा है, और ऐसे महाराष्ट्र में पानी पूरी, बम्बई में महाराष्ट्र पानी पूरी, कहीं पताशी, कहीं पताशा। हाँ, पताशा, हर जगह का अलग नाम, पताशा, गुपचुप, जल कचौड़ी, वाटर बॉल, वाटर बॉल। गालचूर, गालचूर माने मुंह में रखे चुप हो गए ना। हाँ, गालचूर, गालचूर, ये पहली बार नाम सुने हम, गालचूर, गालचूर, अंदर के गाल चुप हो गए ना, गाल चुप। हाँ, गाल चूर। अरे हमें पानी चला गया बाहर। मेन डिफरेंस पुचका और गोलगप्पा और पानी पूरी इन सब चीज़ों में ये है कि जो पुचका है वो बनता है आटे से, आटा, सूजी, मैदा, तीनों मिला के बनाया जाता है, और कई जगहों पे सिर्फ जो बनाते हैं गोलगप्पा बनता है सूजी का, खाली सूजी का, छोटा छोटा होता है, थोड़ा मोटा होता, मोटा होता है, साथ में जो मसाला जाता है इसमें बिल्कुल मसाले वाले आलू, मटर, कहीं पे चना डालते हैं। सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस ये है कि जो पानी है वो हमेशा पूरा का इमली का होता है, इमली है, और इमली है, पुदीना है, आम है, आम भी कच्चा आम भी डालते हैं। हाँ। क्या बात, अभी तो अच्छा, अमचूर, अमचूर, अमचूर डालते हैं। हाँ, अच्छा, मुजफ्फरपुर से ले आते हैं, यहाँ पर रख के ये होता है स्वाद के लिए। वाह वाह भैया, तो ये तीसरा डिफरेंस है पानी का, कहीं पे पुदीने का पानी बनाते हैं, आजकल तो बहुत सारे मिलते हैं, जीरा,
कसम जलजीरा है वो बाबा दा बहुत हो गया कितना खिलाएगा आपकी इच्छा मेरी ना 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 हाथ रोक दीजिए बस बस बहुत से खाना है कर ले सकते इसका फोटो छोड़ लीजिए गंदराज है आपके पास पुचका है दही पुचका है आलू दम पुचका है चुरमुर है मिष्टी पुचका क्या होता है हैं मिठाई डालते हैं नहीं मीठा पानी होता है पानी मीठा होता है अच्छा अच्छा उसके बाद आलू काबली तो वहाँ बोलता है आलू कचालू वही है ना आलू चाट बोलता है कहीं काबली बोलता है मुजफ्फरपुर में हम लोग बोलते थे आलू कचालू आलू कचालू घूर घूर के बेचते थे पहले बेचते बेचते लास्ट में जगह पर खड़े हो गए पाँच बजे साढ़े चार बजे आते 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 एक दिन दस बजे तक रह गए तो दस बजे तक ग्राहक मिलते रह गया अब यही ठहर गए मैंने यहाँ वहाँ दौड़ते ही रहते थे हम बराबर ऑर्डर आता था मुश्किल था हमें 62 60 बरस यहाँ बेचे 60 बार आपका उम्र कितना होगा भैया अभी लगा है मेरा 70 इसमें सबसे छोटा वाला है साठ वर्ष से पुचका बेच रहे हैं आप कलकत्ता में हम बहुत गरीब परिवार के लड़का है भैया अभी ठीक हो गए हैं थोड़ा अभी कैसा लगा है ओ भैया अभी ठीक है चल रहा है कमाने खाता नहीं है बढ़िया তাহলে আসবে হ্যাঁ আমি তো আসি আমি না থাকলে ফিরে চলে যাবে না 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 আমি আসি আজকে ভালো আপনি ছিলেন বলে হ্যাঁ একটু কথাবার্তা হয়ে গেল ঠিক আছে আসছি কিন্তু ঠিক আছে আসছি আসবো আসবো और इसी के साथ हमारा साउथ कोलकाता का फूड टूर एंड हुआ थैंक यू सचिका आज का दिन काफ़ी लंबा रहा हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हमने शुरुआत की थी मॉर्निंग में उदीपी कैफे से जहाँ पे हमने ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ट्राई किया और फाइनली हमारा डे एंड हुआ लेक कालीबारी मंदिर पे यो वेलकम अनुभव आई रियली होप यू एंजॉयड साउथ कोलकाता बट एज ऑलवेज देयर इज अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर सो लेट्स गो